आम आदमी पार्टी की ओर से सरदार भगवंत मान को पंजाब का नव प्रधान नियुक्त किया गया है। जैसे ही सरदार भगवंत मान को प्रधान नियुक्त किया गया, अमृतसर से लोकसभा सीट लड़ चुके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरदार उपकार सिंह संधू के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसमें आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर PPP रखने को लिखा गया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से सरदार उपकार सिंह संधू को पार्टी निलंबित कर दिया गया। वहीं अमृतसर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे सरदार उपकार सिंह संधू ने कहा कि जब उन्होंने सरदार भगवंत मान की प्रधानगी का विरोध किया था, तो उसी समय उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। साथ ही कहा कि श्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलतियों से पंजाब में पार्टी को डुबा दिया है। साथ ही कहा कि अभी भी केजरीवाल ने गलतियों से कोई सीख नहीं ली। वहीं उनकी तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया है कि वह किसी भी सियासी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इस तरह जी, मैं जदों परसों भगवंत मान जी दे बारे पोस्ट फेसबुक पर पाई सी, तो मैं विरोध किया, मैं उदों ही मन के चलिया सी कि यह सब कुछ होना है, तो मैं पहला ही मैंटली प्रिपेयर सी, तो मैं यह सोच समझ के सारा किया, क्योंकि जिहो जिहे हालात अज आम आदमी पार्टी के पंजाब विच बने आ, तो असी अज भी सुधरन की बजाए इस तरह के गलत फैसले जे लवेंगे, तो फिर लोगों ने टाइम हर्ज नहीं करना। लोग तो पहले ही बड़ी मजूसी जी तो बड़ी आसा सन, जिहड़ा उन्हां दियां तुसीं अपनियां नलायकियां गलतियां नाल पिछले समय के अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हां दियां आसां ते पानी फेरिया, चंगे चंगे बंदियां नूं पार्टी चों बाहर कढ़ना, चंगे चंगे बंदियां नूं पार्टी च ना लैणा, जिहड़े पार्टी च चंगे हैगे आ जिहड़े कुछ सही गल कर सकदे उन्हां नूं साइड लाइन करके रखना, जिहड़े सिर्फ सलूट मारन वाले यैसमैन जां उह दिल्ली वाली आई हुई टीम की चापलूसी करन वाले सी उन्हां नूं ही अगे लग के ते इह सारा सिस्टम चलाया, और उहदा रिजल्ट अज साडे सामणे आ। नहीं ते लोक मैंटली प्रिपेयर सन बदलाव लिआउण लई, इह बदलाव आउणा सी जे सही तरीके दे नाल लड़ाई पंजाब दी लड़ी जांदी। पर अज मैं हैरान हाँ कि हुण वी अज आ के वी असीं क्यों नहीं सुधर रहे, इहो जिहे फैसले क्यों लै रहे हां, जिस बंदे दे बारे वीडियोज़ वायरल हुई जिदे तथ ने विरोधी पार्टियां दे कोल किंतु परंतु करन दे लई, और जिहड़ा काबिलियत नहीं रखता जो उन्हां दा सिस्टम है सवेर तो शाम तक शराब ते डिपेंड करना, अजिहे आदमी दे हाथ विच पंजाब दी वागडोर फड़ा देनी, पंजाब दा प्रधान और एक पार्टी नूं चलाउणा खाला जी दा वाड़ा नहीं गा, उहदे लई किते उस समझ रखण वाले व्यक्ति नूं किसे नूं जिहड़ी जिम्मेवारी देनी बनदी सी, और इह बड़ा गलत ते मंदभागा फैसला कीता गिआ। तो जिहड़ा भी कोई माड़ी मोटी समझ रखण वाला आ, जिवें मैं भी कोई सियासत की समझ रखदा, वो इहनूं चंगा नहीं समझेगा। मैं थोड़ा जिहा सख्त लफ्जां च कहता इस करके कह दिता है कि अगे बड़े आपां नुकसान उठा रहा, तुहाडियां गलतियां तो अगे बहुत पंजाब का नुकसान होया, जे तुसीं अजे भी नहीं समझदे तो फिर यह है कि बंदे दे पुत बनना ठीक है ना, लोगों के नाल खिलवाड़ करो लोगों दीआं भावनावां दे नाल। मैं बिल्कुल किसी होर पार्टी च जॉइन नहीं करांगा, एक तो बड़ा भुलेखा कई खा जांदे वी खुरे पता नहीं कितें पहले अकाली दल दोबारा जाना जां किवें आ, मैं किसी भी पार्टी दे विच सियासी पार्टी दे विच नहीं जावांगा, सियासी सिस्टम मेरा खत्म आ, समाज सेवा करांगे अज तो ऑनवर्ड इमानदारी दे नाल। रिजल्ट उन्हां दे जीरो होने आ, किस किस गल दे उत्ते मतलब लोकां दे विच की कहणगे जाके, मतलब जिस इंसान नूं इन्ने चिर तो मूवमेंट चला रहा इन्नी नहीं समझ नहीं कि एक गुरप्रीत सिंह वड़ैच वर्गे शरीफ बंदे नूं हटाउण दा की तरीका उन्हें अपनाया है, कम से कम तुसीं उन्हूं एक एक सिस्टम दे नाल उन्हूं किसे सद के अपने गुरप्रीत सिंह वड़ैच नूं कॉन्फिडेंस विच लै के कोई बहाना बना के उन्हां वल्लों कोई अपने परिवारक रुझेव्यां दा जां कम्मकारां दे रुझेव्यां दा बहाना बना के तुसीं पहलां उन्हां कोलों रिजाइन लै लो फिर एक नवां अगे प्रधान बनाओ, ते किसे नूं मतलब पता नहीं है जिवें डिक्टेटर ते जां कोई जद्दी जायदाद रख के बैठे आ ते बाकी सारे उन्हां दे मुलाजम आ कि जिन्नू मर्जी जलील कर दिओ ते जलील करके पार्टी चों बाहर कढ दिओ, जिस तरीके नाल उन्हां कोलों वी उह खोई गई है सीट, उह कोई इन्नी पकड़ बना के नहीं रखे, उन्हां ने मेरा खिआल किहा वी आ कि मैनूं उंज कह दिंदे ते मैं अस्तीफा दे दिंदा, तो यहो जे हालात बना के तो लोगों को वोटों की आस रखन, लोग इन्ने बेवकूफ नहीं गे, वो जी रेंदी खुंदी कसर आगों इन्होंने हुण मान साहब नूं प्रधान बना के भोग पाता, तो गांह कोई जित की आस ना रखन पंजाब दे विचों जे कोई सिस्टम नूं ना बदलिया।